ईश्वर ही है और है कौन। हमें सच्चा प्रेम जानना है, एक्चुअली पर्पस वो था जुड़ने का, दो लोग जुड़े सच्चे प्रेम को जानने के लिए शुरुआत करें। तो अगर ऐसी समझ के साथ लोग जुड़ेंगे तो वे सच्चे प्रेम को जानने के लिए कार्य करेंगे, वरना तो लोग मैं प्रेम करता हूँ बोलकर टॉपिक से मुक्त हो जाते हैं कि हमें सच्चा प्रेम जानने की जरूरत ही नहीं है, मगर एक्चुअली तो तभी शुरुआत होती है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लाल लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं, सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए, हर जीव हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाए क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है, उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है, केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं, ऐसी शुरुआत ऐसा अंत जहां पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं,
होली अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं कर्ता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, मेरा हक है दूसरों पर, ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं, जो जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तपर्पण करें, अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें।
सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो बिना एजेंट के प्रेम करने के लिए उदाहरण समझ लो, एक लेडी थी, उसका पति गुजर गया, वो कब्रिस्तान में फूल चढ़ाने जाती थी रोज, फिर उसका तबादला हो गया दूसरे शहर। नए शहर में जब वो गई तो कब्रिस्तान के वॉचमैन को बताकर गई कि मैं पैसे भेजती रहूंगी, तुम रोज मेरे पति के कब्र पर फूल चढ़ाना, मैं साल में आऊंगी उस दिन पर। तो वो साल में जब आती है तो चौकीदार से पूछती है, फूल तुम चढ़ाते थे? वो बोलता, नहीं मैं बाजू में हॉस्पिटल है वहाँ पेशेंट्स को देखकर आता था, फूल आप जो पैसे बेचते थे वो मैं फूल जिंदा लोगों को देकर आता था। तो उस लेडी ने सुना, पहले तो उसको बहुत गुस्सा आया, फिर चली गई वो, फिर उसने पैसे ही नहीं भेजे। फिर एक साल के बाद आई और पहले वो थकी थकी बीमार लगती थी, अब तरोताजा थी, खुश थी। वॉचमैन ने कहा, आपने पैसे ही नहीं भेजे। उसने कहा, अभी मुझे एजेंट की आवश्यकता नहीं, अब मैं खुद हॉस्पिटल में देकर आती हूं। जब तुमने बताया कि मैं जिंदा लोगों को देखकर आता हूं हॉस्पिटल में, जो लोग जल्दी तंदुरुस्त हो फूल देखकर, तो मैंने सोचा मैं एजेंट क्यों रखूं उसके लिए, ये तो मैं काम खुद भी कर सकती हूं। तो लोग प्रेम पाने के लिए एजेंट चाहते हैं। आप खुद को सच्चा प्रेम करोगे तो दूसरों को सच्चा प्रेम दे पाओगे। तो जो भावी पति पत्नी हैं वे अगर मिलकर ये कहें एक दूसरे को कि हम सच्चा प्रेम जानने के लिए एक दूसरे को सहयोग करेंगे, हमारी शादी हो तो किस पर्पज़ से हो, सच्चे प्रेम को जानने के लिए। अभी हम जो प्रेम करते हैं वो प्रेम है, प्लास्टिक प्रेम हो सकता है, हमें लगता है सच्चा प्रेम है, वो तो क्या समय के साथ 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 रहने के बाद आपको समझ में आता है। तो पहले ही हम प्रेम करते टॉपिक ही खत्म हो जाती प्रेम की। हमें सच्चा प्रेम जानना है, एक्चुअली पर्पज़ वो था जुड़ने का, दो लोग जुड़े, सच्चे प्रेम को जानने के लिए शुरुआत करें। तो अगर ऐसी समझ के साथ लोग जुड़ेंगे तो वे सच्चे प्रेम को जानने के लिए कार्य करेंगे, वरना तो लोग मैं प्रेम करता हूँ बोलकर टॉपिक से मुक्त हो जाते हैं कि हमें सच्चा प्रेम जानने की ज़रूरत ही नहीं है, मगर एक्चुअली तो तभी शुरुआत होती है। तो इस तरह बिन फ्रेम पहले ही मत कहो पैकेट, कैसे हम इस रिश्ते के द्वारा सच्चे प्रेम तक पहुँचते हैं और दोनों मिलकर शेयर करेंगे, बातचीत करेंगे, तो वे वाकई सच्चे प्रेम तक जाएंगे, वरना एक दूसरे से सबूत मांगते रहेंगे, तुम तो बोलते हो प्रेम करते हो, कहाँ करते हो, ये भी नहीं करते हो, वो भी नहीं करते हो, ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो प्रेम, सच्चा प्रेम पहुँचने तक पहले ही मर जाता है, जो भी प्रेम था बचा हुआ, प्लास्टिक भी था वो भी समाप्त हो जाता है। तो ये समझ आज जो आपको मिली, ये सभी अपने रिश्तों में अप्लाई करेंगे तो रिश्तों की नई व्याख्या, नया डायमेंशन सामने आने वाला है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।